मालेगांव शहर जो है सर, एक ऐसा कोचिंग सेंटर है कि मालेगांव शहर में कितनी भी सियानी आवाम आ जाए, यहाँ के सियासी लीडरान के अंडर में आ जाती है। इतने सियासी अच्छे, लीडर तो आप भी। हाँ सर, मैं सियासी लीडर हूँ ना, मुझे कहाँ इनकार है कि मैं नहीं हूँ। तो आप भी झांसा लेकिन देते हैं क्या? हाँ, मैं झांसा देता हूँ ना सर, मैं झांसा देता हूँ गटर में कूद के, मैं झांसा देता हूँ अतिक्रमण की तकलीफ बता के, मैं झांसा देता हूँ कि मेरे स्कूल के मासूम बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और नीचे टेप बज रहा है, वो इलाका साइलेंस जोन है, वहाँ पे कुत्ते जैसे भौं 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 हान बजा रहे हैं। फिर एक बार मालेगांव शहर की बेबाक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, रिजवान बैटरी वाला साहब। कुछ सवालों के जवाब मैं उनसे लेना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे, शेख आसिफ साहब ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है और शहर में घूमकर लोगों से वो पूछ रहे हैं मुझे किस पार्टी में जाना चाहिए। तो आपकी भी एक पार्टी शहर में है, तो क्या आप वेलकम करेंगे उनका अपने पार्टी में? सर वो तो साहब ने पार्टी छोड़ा है, और एक ऐसी पार्टी है जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, उसे उन्होंने छोड़ा है। और अच्छी बात है कि वो आवाम से जो है अपनी राय ले रहे हैं। अब राय का आ गया सवाल, मालेगांव आवामी पार्टी तो बहुत छोटी पार्टी है ना साहब, रियासती पार्टी है, और वो साबिक एमएलए है, हमारा तो अभी कोई कारपोरेटर भी नहीं है। हम शहर को आवाज़ दे रहे हैं लोगों को जुटने के लिए, शहर की तरक्की और भलाई के लिए जो लोग हमारे साथ आना चाहे उसका वेलकम है। मतलब अगर वो आना चाहते हैं तो आप वेलकम करेंगे उनका, रोकेंगे नहीं आने से? ये सब कोई भी आ सकता है हमारी पार्टी में, लेकिन पार्टी के कुछ शराइत है, कुछ कानून है, कुछ पार्टी की जो बंदिशें हैं उस बंदिश पे सभी को काम करना पड़ेगा, वो चाहे कोई भी हो। मैं और एक सवाल आपके पर्सनल लाइफ से पूछना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि इस सवाल का जवाब देना चाहिए तो आप दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। शहर भर में कई ऐसे काम थे जो रुके हुए थे, कई गटरों का पानी रोड पर आना, कुछ नालों का पानी जमा होना, उसमें आप उतरे हैं, रोडों पर जमे हुए पानी में आप बैठे हैं, वो चाहे अच्छा पानी हो या ख़राब पानी हो। तो आपके बच्चे हैं घर में, बीवी है, एक परिवार है, तो आपके परिवार को कभी ये लगा कि मतलब कभी उन्होंने आपसे पूछना चाहा कि आप जो कर रहे हैं वो तरीका सही है या आपको ये नहीं करना चाहिए या लोगों के हक के लिए करना चाहिए? परिवार में आपका सपोर्ट कैसा रहा? 100% मेरा सपोर्ट हुआ है। क्योंकि कितना भी बड़ा शख्स क्यों ना हो, कितना भी बड़ा, कितना भी मानने वाले लोग क्यों ना हो उसके, कितने भी, लेकिन वो इस तरह से उतरने की हिम्मत चाहिए, एक जज्बा चाहिए कि उस मैले पानी में उतर कर उसका विरोध जताना। सर मेरे घर की मेरी फैमिली मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती है, और वो जानती है कि हमारे घर के जो ये शख्स है अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी है, दीनदार है, और मैं अगर जो कुछ कर रहा हूँ खुद मेरा ज़मीर नहीं गवारा करता कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मेरा क्या कोई कभी ज़मीर नहीं गवारा करेगा। लेकिन सर मैं शहर के हक में करता हूँ, आवाम के लिए करता हूँ, कि अगर जो मेरी आवाम को मेरे इस काम करने से किसी शासन प्रशासन की आंखें खुलती है और लोगों को राहत मिलती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आज जो लोग इधर उधर पार्टियों में जाने की आने की बात कर रहे हैं, अगर जो वही लोग ये काम कर दे तो मुझे ये करने की नौबत नहीं आएंगी सर। आवाम को अगर जो
एक अच्छा सा माहौल मिले, खूबसूरत साजगवार माहौल मिले, तो किसी को गरज नहीं पड़ी है ना सर ये सब करने की। हमेशा मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट की है और अपनी जान से बढ़ के मेरी फैमिली मुझे चाहती है। ये सवाल इसलिए पूछना मैंने सही समझा क्योंकि ये पूरे महाराष्ट्र में या पूरी रियासत पूरे देश में से बहुत कम लोग हैं जो प्रैक्टिकल काम करते हैं। सिर्फ बोलना नहीं मकसद कि अगर मंजूर ये मेरा काम नहीं हुआ, ये विषय पर अगर बातचीत नहीं हुई तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आपने वो किया है? नहीं सर, मैं जो बोलता हूँ तो करता हूँ, और करता हूँ तो इसीलिए आज भले हमारी पार्टी छोटी है, छोटी तो नहीं बोलेंगे, हम आज पूरे महाराष्ट्र में जहाँ चाहे आवामी पार्टी का उम्मीदवार AB फॉर्म दे करके उतार सकते हैं। इलेक्शन कमिश्नर में हमारी पार्टी रजिस्ट्रेशन है, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मैं उस पार्टी का महाराष्ट्र अध्यक्ष हूँ सर, और हम जो काम कर रहे हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरी जो टीम काम कर रही है, जो कुर्बानियाँ दे रही है सर, शासन प्रशासन इस बात को महसूस कर रही है कि हमारी एक एक डिमांड जो होती है आवाम के लिए होती है, जायज़ होती है, इसलिए आज बड़े से बड़ा शासन प्रशासन झुक जाती है, हमारी बात को मानना पड़ता है कि यार ऐसा आदमी तो कोई नहीं है। इस तरीके के आंदोलन तो गांधी जी किया करते थे सर, बड़े बड़े आंदोलनकारी किया करते थे, हम उनकी छोटी सी नकल करने की कोशिश करते रहते हैं कि मेरे शहर की तरक्की हो, डेवलप हो, ये हमारी सोच है। 6 दिन पहले शहर से लगकर एक हाईवे गुजरता है, जी हादसे काफ़ी होने लगे थे, तो जी शहर के साबिक MLA जी शेख आसिफ साहब ने भी विरोध किया, जी फिर आपने भी विरोध किया। जी आप तो पूरी तैयारी से गए लेकिन आपको वहाँ पर जाने नहीं दिया, शायद आपकी बातें मंजूर कर ली थी, मतलब आपके जो भी मुद्दे थे, तो जी वो काम कहाँ तक पहुँचा? सर देखिए, हमारा जो आंदोलन था, रिजवान बैटरी वाला जो भी करता है वो अलग ऐलान करता है, चैलेंज करके करता है कि मैं ऐसा करूँगा। मैं शासन और प्रशासन की आंख में झूल झोंक के कोई भी काम नहीं करता हूँ, पहले अल्टीमेटम देता हूँ, बाद में रोड पे आता हूँ। सर आप देखें कि पीछे जो 40 गांव फाटे पे हादसा हुआ, वहाँ मौजूदा MLA साहब भी पहुँचे, साबिक MLA साहब भी वहाँ पहुँचे। मालेगांव शहर की आवाम के जहन में एक सवाल था सर कि 1.5 साल के अरसे में गिरना नदी से लेकर के दरेगांव तक 200 से ज़ायद लोगों की मौत हो गई सर, अल्पसंख्यक के लोगों की, माइनॉरिटी के लोगों की। कभी कोई लीडर सड़क पे नहीं आया, किसी ने आगे रास्ता बंद नहीं किया। हमें ये लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ठेकेदार है, सोमा कंपनी के लोग, इन्होंने अल्पसंख्यक की सुपारी ले ली है। हमने ऐलान किया कि हम बंद करेंगे, और सर आपने देखा, आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों ने देखा कि हमने कोई नौटंकी बात ड्रामा आंदोलन नहीं किया। शहर की आवाम, उलमाए किराम हमारे साथ आए, सड़कों पे आए, हम वहाँ रोड पे आए। अब मालेगांव शहर की आवाम को इससे बड़ी जीत क्या चाहिए थी सर कि सोमा कंपनी का चीप को आना पड़ा और हमें रिटर्न में देना पड़ा कि दोनों साइड की। 1.5 घंटा मेरे साथ में उन्होंने सर्वे किया सर, सोमा कंपनी के ऑफिसरों ने, टेक्निकल इंजीनियर ने और सर्विस इंजीनियर के जो बॉस है, ये सब मेरे साथ 1.5 घंटा सर्वे किए सर। आंदोलन के बाद जो चीज़ें हमने बताई कि यहाँ से कम आगरा रोड के इस तरफ लाखों लोग रहने के लिए आ गए हैं, ये रोड किस तरीके से क्रॉस करेंगे, अंडरग्राउंड रास्ते कहाँ हैं, उड़ान पुल कहाँ हैं, उन्होंने वो मंजूर किया, 5 जगह पर उड़ान पुल बनने वाला है सर, सर्विस रोड का काम शुरू होने वाला है। आप देखें कि दूसरे दिन ही वहाँ पे उन लोगों ने ब्रेकर वगैरह सब कुछ बनाया, अभी वापस से सड़कें बन रही है। आज ही मुझे फ़ोन आया कि रिजवान भाई वापस ब्रेकर बना के सोनगांव फाटे की और चंदनपुरी गेट की सारे अंडरग्राउंड रास्ते सही करेंगे, और जो जो तुमने
कहाँ है उसका लेटर, उन्होंने आज मुझे मेल किया है सर, वो मेल किए मुझे लेटर, वो लोगों पूरा काम शुरू कर रहे हैं। तो शहर में नुमाइंदगी नाम की चीज़ कहाँ है सर आवाम के लिए? आज आप जा कर के देखिए हाईवे पे, दिल हाथ में आ जाता है सर जिस हिसाब से लोग रास्ता क्रॉस करते हैं, तो इनकी जाने जोखिम में है ना। तो हो गया काम, हो तो अब उसकी क्रेडिट तो कोई ले नहीं सकता। शहर में किस तरह से विकास काम होने चाहिए आपके हिसाब से, आपके नज़रिए से? सर देखिए, आज मालेगांव शहर के अंदर में जो भी सड़कें गटरों का काम चालू है विकास के नाम पे, बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। मैं मालेगांव शहर की आवाम से सर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक रोड गटर का टेंडर निकलता है ना, उसकी वर्क ऑर्डर काफ़ी होती है ना, आप उसकी वर्क ऑर्डर काफ़ी मंगाइए। आप मुझे बताइए सर कि जिस जगह पे भी मालेगांव शहर में काम चालू है, कौन सी जगह पे सिटी इंजीनियर, वार्ड इंजीनियर आगे क्वालिटी टेस्ट करता है, गटरे बन रही है तो पानी की ढलान चेक करता है, ये है वो है एक्स वाई जेड। सर अगर जो 10 लाख का टेंडर है ना, तो 2-2.5 लाख रुपये में 3 लाख रुपये में काम करके भाग जा रहे हैं, इसे काम कहते हैं क्या? इंतहाई थर्ड क्लास काम किया जा रहा है। ये आने वाले 1 साल के बाद का जो इलेक्शन है उसका सब खर्च निकाल रहे, जितने मौजूदा स्टैंडिंग कमेटी में बैठे हुए सत्ताधारी में अपोजिशन सब मिल के महानगर पालिका को लूट रहे सर, ये अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। मालेगांव महानगर पालिका को लूटना मतलब शहर को लूटना, बैतुल माल को लूटना है सर, बैतुल माल को लूट रहे। तो आपने कभी इस पर विरोध नहीं जताया क्या? इसकी इंक्वायरी होना चाहिए ऑफिशियल तरीके से, डॉक्यूमेंट्स पेपर चलाकर, क्वालिटी चेक को लेकर, गटरों को लेकर, रोड को लेकर? सर मैं ही तो चिल्लाता हूँ, और कौन चिल्लाता है? आज भी आपके चैनल के माध्यम से आवाम को मैं ही जगा रहा हूँ कि शहर के हर नौजवान को, हर बादशाहों तबके को, जिस जगह पे भी काम चालू है खड़े हो जाए, हो क्वालिटी टेस्ट कराए, ये आपका अधिकार है। आप पूछ सकते हो, आप काम अच्छा कर रहे हो तो मेरी तरफ से आके 2-4 गुलाब के फूल ले जाए, उनको तोहफा दे देवे, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे तो क्यों? सर नदी के उस पार भी तो काम हो रहा है, आजकल तो देखिए अजीब अजीब परिंदे जानवर ये वो हर चौक चौराहे पे वो लोग लगा रहे हैं, अच्छी बात है, शहर खूबसूरत हो रहा है। और नदी के इस पार किसी कुत्ते की फ़ोटो भी नहीं दिखती है कहीं बैनर पे लगी हुई कि दो एक कुत्ता, एक कुत्ते का बच्चा ऐसे बैठा हुआ है, उसकी ये 2 तस्वीरें दिख रही है। वहाँ तो बाकायदा बेहतरीन मुल्कों के सारे बड़े जानवरों के तस्वीर मुजस्मे बन रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब? कौन सा विकास की बात हो रही है सर? विकास के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा? मालेगांव शहर जो है सर एक ऐसा कोचिंग सेंटर है कि मालेगांव शहर में कितनी भी सियानी आवाम आ जाए यहाँ के सियासी लीडरान के अंडर में आ जाती है। इतने लीडर तो आप भी? हाँ सर मैं सियासी लीडर हूँ ना, मुझे कहाँ इनकार है कि मैं नहीं हूँ। तो लेकिन झांसा देते हैं क्या? हाँ मैं झांसा देता हूँ ना सर, मैं झांसा देता हूँ गटर में कूद के, मैं झांसा देता हूँ अतिक्रमण की तकलीफ बता के, मैं झांसा देता हूँ कि मेरे स्कूल के मासूम बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और नीचे टेप बज रहा है, वो इलाका साइलेंस जोन है, वहाँ पे कुत्ते जैसे भौं 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 हान बजा रहे हैं, टेप बजा रहे हैं, चिल्ला पुकार मचा रहे हैं, मैं इस बात पे झांसा देता हूँ, मैं झांसा देता हूँ ये सब चीज़ों को रोकने के लिए सर। मैं भी सियासी हूँ सर, मैं वो झांसा नहीं देता हूँ बैतुल माल लूट लो खा लो, इसका कालर पकड़ ले उसका कालर पकड़ ले, बाद में देखो तो दोनों जने एक ही रिक्शे में जाते दिखते हैं सर थोड़ी देर के बाद, जहाँ से मैं फ़र्क है ना सर। चलो बहुत बहुत शुक्रिया।